हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, आज मैं आप लोगों को फिजिक्स में पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभव विभवांतर के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके पहले क्लास में आप लोगों को विद्युत से परिचित कराए थे, विद्युत है क्या। तो जितने भी वस्तु है, सब्सटेंस मटेरियल है, सब परमाणु का बना होता है। थोड़ा सा फ्लैश बैक करते हैं कि सबके परमाणु में क्या होता है, एक नाभिक होता है। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और उसके कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है। तो परमाणु के नाभिक में जितना प्रोटॉन, उसकी कक्षा में उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है ना। और एक प्रोटॉन पर एक धनावेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर एक ऋणावेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। इस प्रकार परमाणु के नाभिक में जितना धनावेशित कणों की संख्या होती है, उसके कक्षा में उतना ही ऋणावेशित कणों की संख्या होती है, जिसके कारण परमाणु उदासीन होता है और रगड़ने पर आवेश उत्पन्न होता है ना। ये बात बताए थे और ये भी बताए थे कि अंबर को अगर बिल्ली की खाल से रगड़ा जाए तो अंबर पर जो आवेश उत्पन्न होता है वो धन आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। और शीशे पर यानी कांच पर अगर रेशम से रगड़ा जाए तो कांच पर जो है उत्पन्न आवेश धन आवेश होता है। इस तरह से धन आवेश और ऋण आवेश दो आवेश होता है। और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, इस बात को समझने के लिए हम ये बताना चाहते हैं कि ये भी बताए थे कि धन आवेश को प्रतिकर्षित करता है, ऋण आवेश को प्रतिकर्षित करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेश में आकर्षण होता है। अगर मान लिया जाए यहाँ पर कोई आइसोलेटेड चार्ज है, क्यू है मान लिया जाए, ठीक है, और अनंत पर यहाँ पर बिंदु पी पर अगर ये मतलब धनावेशित है मान लिया जाए, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अनंत से अगर यहाँ लाएंगे, वहाँ से यहाँ लाने में क्या होगा कि ये जो धनावेशित कण है वो इसका प्रतिकर्षण करेगा, उसको जो है इधर आने नहीं देगा क्योंकि हटाते रहेगा। तो ऐसी हालत में इस प्रतिकर्षण के विरुद्ध जो है कार्य करना पड़ेगा, है ना। तो कहा जाता है कि इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वो उस बिंदु पर क्या होता है, विभव कहलाता है ना। तो विद्युत क्षेत्र क्या है, इसका जहाँ तक प्रभाव पड़ेगा, कहीं पर भी कोई आवेश है तो उसका क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव पड़ेगा वो विद्युत क्षेत्र कहलाएगा, है ना। तो इसकी परिभाषा हम इस तरह दे सकते हैं कि किसी बिंदु पर विभव उस कार्य के बराबर होता है जो अनंत से इकाई धन आवेश को उस बिंदु तक लाने में किया जाता है या करना पड़ता है। तो इसकी परिभाषा लिख देते हैं, विभव की परिभाषा ज्यादा अच्छा रहेगा। विभव किसी बिंदु पर का विभव उस कार्य के बराबर होता है, किसी बिंदु पर का विभव उस कार्य के बराबर होता है, कार्य के बराबर होता है जो इकाई धन आवेश को इकाई धन आवेश को
आवेश को अनंत से अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है, लाने में किया जाता है या करना पड़ता है। ठीक है, किसी बिंदु पर का विभव उस कार्य के बराबर होता है जो इकाई धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है या करना पड़ता है। तो मान लेते हैं क्यू धन आवेश को है ना अनंत से माने बिंदु पी तक लाने में किया गया कार्य जो है डब्लू है मान लिया जाए। माना कि क्यू धन आवेश को आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W है ना। चूंकि Q आवेश को अनंत से उस बिंदु पर लाने में किया गया कार्य बराबर W है। ठीक है, तो इकाई धन आवेश को प्लस वन है ना आवेश को उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य बराबर क्या होगा W बटे क्यू है ना। तो विभव को पोटेंशियल बोलते हैं, तो विभव क्या हो गया विभव बराबर W बटे क्यू। तो विभव बराबर क्या हो गया W में कार्य हो गया, W क्या हो गया कार्य, Q क्या हो गया आवेश है ना। तो विभव बराबर हम लिख सकते हैं उठाते हैं विभव बराबर क्या हो गया W बटे Q अर्थात कार्य बटे क्या हो गया आवेश। विभव बराबर क्या हो गया कार्य बटे आवेश। तो विभव बराबर क्या हो गया कार्य बटे आवेश। विभव को माने कि वोल्ट से डिनोट करते हैं V से, तो V बराबर हम लिख सकते हैं W बटे Q। V बराबर W बटे Q। अब इसका मात्रक SI मात्रक क्या हो गया विभव का SI मात्रक। तो मात्रक कैसे निकालेंगे W बटे क्यू होता है कार्य बटे आवेश होता है, Q
क्या होता है, कार्य बटे आवेश। तो कार्य का मात्रक जूल होता है, जे हुआ है ना, आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है, कूलम्ब सी लिख सकते हैं। तो जूल प्रति कूलम्ब हो गया है ना, विभव का मात्रक क्या हो गया, जूल प्रति कूलम्ब। विभव का मात्रक जूल प्रति कूलम्ब हो गया। अब जैसा कि V बराबर W बटे Q है, तो W बराबर क्या हो गया, V इंटू क्यू या Q इंटू V। अच्छा, ये तो मात्रक होगा जूल प्रति कूलम्ब, लेकिन इसको इटली के वैज्ञानिक अलेसान्द्रो वोल्टा के सम्मान में है ना, विभव का मात्रक जो है वोल्ट रखा गया है, वोल्ट भी कहा जाता है इसको। जूल प्रति कूलम्ब को क्या कहा जाएगा, वोल्ट। परंतु इसे महान वैज्ञानिक अलेसान्द्रो वोल्टा, अलेसान्द्रो वोल्टा के सम्मान में वोल्ट कहा जाता है, वोल्ट कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विभव का मात्रक हो गया, पोटेंशियल का मात्रक हो गया वोल्ट है ना। तो विभव का मात्रक क्या हो गया, वोल्ट। तो एक वोल्ट किसको कहेंगे है ना, एक वोल्ट। इसे भी से प्रकट करते हैं, क्या कहा जाता है, वोल्ट कहा जाता है, कहा जाता है। अतः एक वोल्ट बराबर क्या होगा, एक वोल्ट बराबर एक जूल प्रति एक कूलम है ना, प्रति एक कूलम। तो एक वोल्ट उसे कहा जाता है कि एक, जब एक जूल कार्य किया जाए और उससे एक कूलम आवेश उत्पन्न हो, तो इसको बोलते हैं एक वोल्ट। क्या बोलते हैं, एक वोल्ट। एक वोल्ट बराबर एक जूल बटे एक कूलम है ना। तो वोल्ट को हम इस तरह लिख सकते हैं, वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलम है ना। अब आइए विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी बात आ रही है। विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, किन्हीं दो किसी भी विद्युत माने के क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव का जो अंतर होता है उसको विभवांतर बोलते हैं है ना। किसी विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को उस विभवांतर कहते हैं, अंतर को विभवांतर कहते हैं। और विभवांतर का भी मात्रक वोल्ट होता है, और विभवांतर का
भी मात्रक वोल्ट होता है। तो विभव और विभवांतर बात समझ में आ गई। विभव क्या होता है कि किसी विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड में इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को उस बिंदु पर विभव कहते हैं, है ना। और विभवांतर क्या होगा कि किसी विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव का जो अंतर है उसको विभवांतर बोलते हैं। और विभव का एसआई मात्रक जूल प्रति कूलाम जिसको वोल्ट कहते हैं, और विभवांतर का भी एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्योंकि फिजिक्स है इसकी थोड़ी थोड़ी बात को भी बढ़िया समझने की ज़रूरत है, अच्छा से इतना बात आज दिमाग में रखिए, फिर अगले रोज बताएंगे, आज यहीं तक रखा जाए। थैंक्स।